मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। त्रिनेत्र सांस्कृतिक मंच द्वारा चंटियों के इस आयोजन को ये दूसरा वर्ष है। इस दूसरे वर्ष में शहर के डालूमती बाजार चौराहे पर 3 दिवसीय चंटियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों से लेकर बड़ों तक चंटियों का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। त्रिनेत्र सांस्कृतिक मंच द्वारा आयोजन शुरू करने के पहले शहर के प्रमुख व्यायाम शाला के खलीफा उस्तादों का मंच पर स्वागत सम्मान कर चंटियों की शुरुआत की गई। त्योहारों को लेकर रतलाम पुलिस अधीक्षक व उनकी टीम ने शहर में दोपहर 4 बजे के बाद भ्रमण किया। वहीं जानकारी में पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया है कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था व अन्य समस्याओं को लेकर उनके द्वारा पैदल भ्रमण किया गया है और उनके द्वारा माणक चौक, राम मंदिर, नाहरपुरा व अन्य जगह का भ्रमण किया। वहीं ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर नगर निगम से भी चर्चा करेंगे और प्लान बनाया जाएगा ताकि आने वाले समय में जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं आगे की जानकारी देते हुए उनके द्वारा बताया गया कि सड़कों पर रतलाम सड़कों पैदल घूमे क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, त्यौहार आने वाले हैं, नवरात्र के त्यौहार है, इसी को लेकर के और जो ट्रैफिक की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के रतलाम शहर जो इंटीरियर शहर है उस पर जो है मैंने पैदल जो है भ्रमण किया। पर्पस ये था कि पैदल घूमने से जो है यहाँ की जो ट्रैफिक समस्याएं हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। माणक चौक का पूरा एरिया हो गया, राम मंदिर हो गया, नाहरपुरा हो गया, इन सभी एरियाज़ में जो है DSP ट्रैफिक के साथ एक्सप्लोर किया। अभी माणक चौक थाने में जाकर व्यापारियों से भी बातचीत करेंगे
नगर निगम से सहयोग हम जो है रिक्वायर करेंगे, ताकि जो है और जो पट्टियां डली हैं उनके आसपास उससे पीछे ही रहे गाड़ियां, आने वाले त्यौहार में अव्यवस्था ना हो ट्रैफिक को लेकर के, वो जो है डीएसपी ट्रैफिक के द्वारा एक सुदृढ़ प्लान बनाया जाएगा और आगे आने वाले समय में पब्लिक के सहयोग से ट्रैफिक व्यवस्था अंदर शहर में बेहतर रहे, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। लगातार चलेगी सर यार? बिल्कुल, जो एक दिवस एक रोड स्कीम थी मेरी, उसको मैंने आज अपने टीआई ट्रैफिक को बोला है कि आज से रतलाम शहर के इंटीरियर में करेंगे। अभी तक वो बाहर में कर रहे थे, लेकिन अब वो अंदर करेंगे और नगर निगम के कर्मचारियों का सहयोग भी प्राप्त करेंगे। तो प्रयास रहेगा कि किसी भी तरीके से अव्यवस्था ना हो, जो अव्यवस्था होती भी है उसको जितना भी हो सके हम उसको जो है कंट्रोल करने का प्रयास करें। नवरात्रि आने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं, वहीं धार्मिक संस्थाएं अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। शहर के कालिका माता मंदिर परिसर में भी नवरात्रि पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वहीं नवरात्रि में यहां पर मेला भी लगाया जाता है, जिसमें की हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसी को लेकर आज दोपहर 3 बजे बाद कालिका माता सेवा मंडल ट्रस्ट के पदाधिकारी व SP राजस्व अधिकारियों द्वारा बैठक करके सामाजिक विषय पर चर्चा की। SP व राजस्व अधिकारियों द्वारा गरबा पांडाल का निरीक्षण किया गया, वहीं पार्किंग व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा की गई। ओंकार घाणी तेल, जहां आपको मिलेगा शुद्धता और सात्विकता का अटूट संबंध। हमारी विशेषताएं मूंगफली तेल, तिल तेल, नारियल तेल, बादाम तेल, एरंड तेल, अलसी तेल के साथ सभी प्रकार का तेल ऑर्डर पर निकाला जाता है। घाणी तेल की विशेषताएं ब्लड शुगर लेवल कम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाए, हार्ट के लिए फायदेमंद और पोषक तत्वों से भरपूर। भारत की पारंपरिक लकड़ी की घाणी से बना तेल अपनाइए और बीमारियों को दूर भगाइए। तो आज ही एक कदम शुद्धता और तंदुरुस्तता की ओर। हमारा पता है ओंकार घाणी तेल, माणक चौक, बड़े हनुमान जी का मंदिर, साहू बावड़ी, दुकान नंबर 3, मोबाइल 9303038863। रतलाम में 2 दिन पहले सांड की लड़ाई में घायल हुए बुजुर्ग की मौत हो गई थी। इसके बाद क्षेत्रवासियों ने नगर निगम के खिलाफ आक्रोश जताते हुए संत रविदास चौक में बीच सड़क पर शव रख कर चक्का जाम किया था। वहीं चक्का जाम करते हुए रहवासी अवैध तबेले हटाने की मांग कर रहे थे। हालांकि महापौर और अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। वहीं गुरुवार को इस मामले में निगम के प्रचार प्रसार विभाग द्वारा शहर में 2 बजे अनाउंसमेंट करके अवैध तबेले के मालिकों से अनाउंसमेंट के माध्यम से पशुओं को सड़क पर नहीं छोड़ने की हिदायत दी गई। जो भी पशु मालिक है, जो अपने घरों में पशु पाल रखे हैं, उनको सूचित किया जाता है 27 तारीख के पहले अपने तबेलों को हटा ले। किसी भी प्रकार से कोई भी पशु पशु मालिक अपने घर में नहीं रखेगा, तत्काल हटा ले। यदि पशु पाया गया तो उसके खिलाफ पशु जब्ती के साथ ही वैधानिक कार्यवाही की जाएगी, दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। तबेले तोड़ने के साथ में कोई भी अन्य कठोर कार्यवाही की जाएगी। ये बहुत कठोरता से सूचित किया जा रहा है, विगत दिनों भी आपको सूचित किया गया है, अंतिम सूचना है। 27 तारीख तक आप हटा लीजिए, आप सूचना देके जा रहे हैं। जावरा आलोट विधानसभा के जनपद पंचायत से महज 100 मीटर के दायरे में बने VC हॉल के निर्माण में घटिया निर्माण की सौगात नजर आई है, जिसमें जावरा लोहारी जनपद पंचायत के विकास यात्रा के दौरान 15 वित्त योजना निर्माण अंतर्गत जनपद पंचायत में VC हॉल बनाया गया, जहां महेंद्र सिंह सिसोदिया पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री के विभागीय स्वीकृति के आधार पर जिस सौगात को मुख्य अतिथि तत्कालीन मंत्री OPS भदौरिया, नगरीय प्रशासन एवं आवास द्वारा पूर्ण किया गया, उस सौगात को 1 वर्ष पूर्ण भी नहीं हुआ और पूर्व मंत्री भदौरिया और सिसोदिया की कार्यकाल की नींव साल भर में धूल और खंडर में तब्दील हो गई, जिसका जीता जागता सबूत स्वयं VC हॉल निर्माण की दीवार से निकलता धूल भरा घटिया निर्माण कार्य व्यक्त कर रहा है। ऐसे निर्माण से जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार में निर्माण ठेकेदार की कुछ तो मजबूरी रही होगी, जो कि 1 वर्ष के भीतर ही अपनी कमी दर्शा गया।